हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी जासूसी पजल बताने वाली हूँ कि जिनके जवाब आप ढूंढते ही रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पजल नंबर 1 में आज हम आपकी मेमोरी टेस्ट करने वाले हैं। तो इस जूते को जरा ध्यान से देखिए, इस घड़ी को ध्यान से देखिए, इस रैबिट को ध्यान से देखिए और अब इस फूल को जरा ध्यान से देखिए। और अब हमें बताइए कि आपने कौन सा जूता देखा था। तो ध्यान से सोचिए। दोस्तों, इनमें से आपने ये वाला जूता देखा था। अब बताइए कि इनमें से आपने कौन सी घड़ी देखी थी। दोस्तों, इनमें से आपने ये वाली घड़ी देखी थी। अब बताइए इनमें से आपने कौन सा रैबिट देखा था। दोस्तों, इनमें से आपने ये वाला रैबिट देखा था। और अब लास्ट, अब बताइए कि इनमें से आपने कौन सा फूल देखा था। दोस्तों, इनमें से आपने ये वाला फूल देखा था। दोस्तों, किस किस ने मेमोरी टेस्ट के सही जवाब दिए तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पजल नंबर 2। दोस्तों, भाई आपको तो सभी मोबाइल के नाम पता है ना। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आई है। तो आपको बताना है कि यह किस मोबाइल ब्रांड का नाम है। तो भाई दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिएगा और आपका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। भाई यह पिक्चर किसकी है? ज्वालामुखी की है ना। और ज्वालामुखी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लावा कहते हैं ना। तो मोबाइल ब्रांड का नाम हुआ लावा। दोस्तों, इस कंपनी के मोबाइल कौन कौन यूज करते हैं तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पजल नंबर 3। पुलिस को गार्डन में एक बच्ची मिलती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी 3 लेडीज वहां पर आ जाती है और वो सभी बच्ची उनकी होने का दावा करती है। पुलिस एक बार के लिए सोच में पड़ जाती है कि बच्ची की असली माँ कौन है। तो पुलिस निर्णय लेती है कि बच्ची को सबके साथ 5-5 मिनट छोड़ेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या बातें होती हैं। पहली औरत बच्ची को चॉकलेट देते हुए कहती है कि इसे खा लो और चुप हो जाओ। दूसरी औरत बच्ची को प्यार करते हुए कहती है कि मैं तो कितना डर गई थी, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तीसरी औरत बच्ची को खिलौने देते हुए कहती है कि ये लो खिलौने और चुप हो जाओ, रो मत। पुलिस ये सब देखकर तुरंत समझ जाती है कि बच्ची की असली माँ कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो क्या कि बच्ची की असली माँ कौन है? तो भाई दोस्तों, आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। ये सेकंड नंबर वाली लेडी बच्ची की असली माँ है, क्योंकि कोई भी माँ को अपनी बच्ची की बहुत फिक्र होती है और वो अपने बच्चे को काफी टाइम के बाद देख के खिलौने या चॉकलेट देने के बजाय पहले तो उसे प्यार करती है और पूछती है कि कहाँ चले गए थे, जैसे कि दूसरी लेडी ने किया। तो इसलिए दूसरी लेडी
बच्ची की असली माँ है। पजल नंबर 4। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन मरेगा, एक नंबर वाला आदमी या फिर दो नंबर वाला आदमी। तो भाई दोस्तों, पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। हमारे ख्याल से तो ये एक नंबर वाला आदमी सबसे पहले मरेगा, क्योंकि उसकी गन खाली है और उसके गन की गोलियां पहले ही नीचे गिरी हुई है, जबकि दो नंबर वाले आदमी की गन गोलियों से भरी हुई है और जब वह गोली चलाएगा तो एक नंबर वाला आदमी सबसे पहले मरेगा। और यदि सांप ने दो नंबर वाले आदमी को काट भी लिया तो भी वह इतनी जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पीछे लड़की खड़ी हुई है जो किसी को भी मदद के लिए बुला सकती है और वह बच सकता है। इसलिए हमारे ख्याल से तो यह एक नंबर वाला आदमी सबसे पहले मरेगा। दोस्तों, यह तो हुई हमारी राय। आपने क्या जवाब सोचा था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।